बीते दिन जो कुछ निजी अखबारों में स्कूलों के बारे में 29/8/17 को आए फैसले के संबंधी खबरें प्रकाशित हुई थी, उस संबंध में पूरी जानकारी साझी करने के लिए ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन राजपुरा की ओर से एसोसिएशन के दफ्तर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान सरदार गुरप्रीत सिंह धमोली ने मान्योग अदालत द्वारा फैसले के बारे पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि धमोली जी, आज तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह नाल रखी है, एकदम एमरजेंसी की गल हो गई है? जी, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके रखी है, अज कुछ अखबारों के जो खबर छपिया ने वह मतलब कि की चीज़ दसा गया उस खबर वो जो दसाया गया है वह मतलब कि जो अदालत का फैसला है उसको पूरा नहीं दसाया गया। अच्छा जी, वो सिर्फ एक पैरे का जिक्र है जो असी बाकी स्पष्ट कर रहे हैं। जो स्कूल वाले ने प्रेस नोट जारी किया, मैं थोनों हाई कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर है पहले वह पढ़ के सुना रहा ताकि हर पक्ष में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के वक् वक् पक्ष ने वो सारे थोड़ा पता लग सकन। कल पूरी तरह सारी कवरेज नहीं हो पाई। पटीशनर के इस ग्रुप के पेश होने वाले बहुत सारे वकीलों ने दसिया है कि रिपोर्टा दिया नकल उन्होंने मिल गई हैं, हालांकि उन्होंने कुछ इस प्राप्त करने कामयाब नहीं हुए, इसलिए थोड़े दिनों की मोहलत मंग रहे हैं। मैं देखा है कि उत्तरवादी पंजाब सरकार वालों कोई तसली बख्श जवाब दायर नहीं किया। अकील की मुख्य शिकायत है पटीशनर मतलब जिहड़े स्कूल वाले ने पटीशनर स्कूल वाले की वकील की मुख्य शिकायत यह है कि जिहड़ी सरकार है इन्हां पटीशनर के फैसले बारे कोई स्टैंड नहीं लै रही। यह गल स्कूलों के वकीलों ने भी कही है, परंतु कई मामलों में सरकार के अधिकारी पटीशनर स्कूलों उत्ते रकम वापस करने लिए दबाव पा रहे हैं। पटीशनर के वकील अनुसार सरकार इस मुद्दे बारे टालमटोल नहीं कर सकती, जेकर इस मामले में उस पास कोई विचार नहीं है इसनों स्कूल प्रबंधकों मापियां विचकार एक झगड़ा समझती है तो फिर इस अफसरों मापियां के कहने पर रिकवरी करने की कोशिश करने तो बचना चाहिए है। उन्होंने ये भी कहा कि फीस कमेटी के हुक्मों कारण विद्यार्थियों ने फीसा देनिया बंद कर दित्तियां हन, जिस करके इन्हां स्कूलों नूं चलाउणा लगभग नामुमकिन हो गया है, कई मसलों में उह स्कूलों के काम काज में बिघन पा रहे हैं। पंजाब के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल इस मामले में स्पष्ट हदायतां लैण लई कुछ समय की मंग कर रहे हैं, परंतु इस श्री हर्ष जैन एडवोकेट ने दलील दिती है कि फीस कमेटी ने इन्हां सारे पटीशनर स्कूलों दीआं वाजिब लोड़ां अते सारे तत्थां अते हालात बारे विचार किया है, स्कूल वालों की फीस ली जानी चाहिए है इस बारे वाजिब हुक्म पास किए हैं, पटीशनर स्कूलों नूं गलत तरीके नाल प्राप्त होए लाभां नूं रखण दी इजाजत नहीं दिती जा सकती, इसलिए विद्यार्थियों को यह इजाजत दिती जानी चाहिए है कि वह अपने वालों पहला वाधू अदा कीतियां गई रकमों हुण अदा कीतियां जाण वाली रकमों के विरुद्ध एडजस्ट कर लैन। जो अगे अदालत ने कहा, सारियां धिरां नूं सुनण तो बाद सारे तत्थां ते विचार करन तो बाद यह हुक्म दिता जाता है कि पटीशनर स्कूल यह अंडरटेकिंग स्कूल नूं चलाउण वाली संस्था के मुखी वल्लों देणगे कि जेकर पटीशन डिसमिस हो जाती है तो उन्होंने जो रकम वाधू इकट्ठी की है उन्हों वह वापस करने लिए पाबंद होणगे, जेकर इस मंतव लई संस्था की जायदाद वेचना भी पिया तो उन्होंने कोई इतराज नहीं होगा। इन्हां अंडरटेकिंगा नूं इस अदालत में जमा करवाया जाए, जिसकी एक एक कापी एडवोकेट जनरल के दफ्तर में जमा करवाई जाए। इस अंडरटेकिंग के प्राप्त होने तो बाद नोट कर रहे, इस अंडरटेकिंग के प्राप्त होने तो बाद वंगारे गए हुक्मों के संबंध में पटीशनर स्कूलों
तो किसी भी रकम की वसूली करने कोई जबरदस्ती ना की जाए। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा, न्यूज 18।